जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल शुक्रवार के दिन है कामदा एकादशी, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही है गुरुवार रात 11:30 बजे से, मतलब कि 11:35 से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको इतना बढ़िया एक उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों कि इस उपाय को करने से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा, सदैव भगवान श्री हरि आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। बहुत ही साधारण उपाय है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। आपकी जो भी इच्छा है, तमाम इच्छाओं की पूर्ति होती है इस उपाय को करने मात्र से, और उपाय भी बहुत साधारण है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन इसको करना है एकादशी के एक दिन पहले, मतलब कि गुरुवार की रात से आपको इस उपाय की करनी है शुरुआत। तो जो नए नए भी बरस रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब, कहां, किसका भला हो जाए। दोस्तों, मेरी तीनों ही चैनल अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया चैनल, वीना भदौरिया चैनल और सच्ची कहानियां बाय वीना, तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सारी अपडेट्स, सारी मेरे वीडियोस आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत साधारण, बहुत छोटा सा ये उपाय है जो आपको एकादशी के एक दिन पहले, मतलब कि गुरुवार की रात को करना है। सोते समय आप मतलब स्वच्छ हो जाए, मुंह हाथ धोले, स्वच्छ हो जाए, उसके बाद आपको लेना है एक कागज। क्या करना है आपको? एक कागज लेना है, कागज में आपको तीन चुटकी हल्दी डालनी है। कागज में आपको तीन चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी आपको उसमें सिंदूर डालना है और एक चुटकी आपको उसमें डालनी है चावल। क्या करना है? तीन चुटकी आपको हल्दी डालनी है और एक चुटकी सिंदूर और एक चुटकी उसमें आपको डालना है चावल। उस पुड़िया को आपको बहुत अच्छे से बांध लेना है, मतलब उस कागज की आपको अच्छे से पुड़िया बना लेनी है। उस पुड़िया को आप अपने हाथ में रखें और आपको 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी जो भी इच्छा हो वो इच्छा आपको बोलनी है कि मेरा ये काम हो। उसके बाद उस पुड़िया को आपको अपने सिर से पैर की तरफ 7 बार उतार लेना है, उतार लेना है, जैसे कि भगवान का ये अभिमंत्रित की हुई हल्दी सिंदूर चावल आपके ऊपर से सारी पनौती को दूर कर रहे हैं। इस विचार के साथ आपको इसको सिर से पैर तक 7 बार उतार लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद इस पुड़िया को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। क्या करना है? इस पुड़िया को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। रात को आप आराम से सो जाएं। कोशिश करें कि आप अच्छे अच्छे विचार करें, आप उन तमाम विचारों को करें जिससे कि भगवान आपके घर में, कल एकादशी है, भगवान का आपके घर में आगमन होगा। इस उपाय को करने से भगवान आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस टाइप के थॉट्स आपको रात को, मतलब कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। ठीक है, सुबह आप उठे, नहा धो ले, स्वच्छ हो जाए, उसके बाद में आपको इस पुड़िया को तकिए के नीचे से निकालना है और दरवाजा खोलते के साथ आपको इस पुड़िया को, पुड़िया के अंदर जो आपने तीनों चीजें रखी हैं, इसको आपको दरवाजे पर दोनों तरफ छिड़क देना है। दोनों तरफ आपको दरवाजे के इसको छिड़क देना है
और आपको बोलना है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दरवाजा खोलते के साथ आपको ये क्रिया करनी है और ये शब्द बोलने हैं। इतना करने के बाद आप एक लोटा जल ले लें और दरवाजे पर दोनों तरफ आप जल चढ़ा दें और आप भगवान को अपने घर में आने के लिए आमंत्रण दे दें। इस दिन आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं और भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक लगाए, अगरबत्ती लगाए, भगवान के आगे आप उन्हें गेंदे के पुष्प चढ़ाए, खीर का भोग लगाए। शक्य हो तो आप उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो पूरा दिन आप ये दीपक जला दें, अखंड दीपक जला दें पूरे दिन के लिए, क्योंकि आपने सुबह भगवान को आवाहन दिया है अपने घर में, तो सुबह शाम आप भगवान के नाम की आरती कर दें और एक दीपक जला दें बस, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने मात्र से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और पूरे दिन भगवान की हाजिरी आपके घर में रहती है। आप जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा आपकी पूरी होती है। यूं भी दोस्तों सुबह उठते के साथ यदि आप दरवाजे पर एक लोटा जल छाट देते हैं, चढ़ा देते हैं, डाल देते हैं, तो तमाम दैविक शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां आपके घर में आने के लिए प्रेरित होती हैं। और जब आप किसी देवी या देवता का नाम लेकर के सुबह उठते के साथ इस क्रिया को करते हैं तो वो देवी या देवता आपके घर में आता अवश्य ही है। तो एकादशी वाले दिन, क्योंकि ये कामदा एकादशी है, हर इच्छा पूरी होती है, इस दिन पितृ भी शांत होते हैं यदि पितरों की पूजा की जाए। उसके लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसे अवश्य ही देखिएगा। तो इतना आप अवश्य ही करना जिससे भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण आपके घर में पधारे और आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करें। ठीक है, तो करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ रही हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।